हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन और कुड। कैन और कुड ऐसा मॉडल है जिसका हमें बहुत ज़रूरत होती है इंग्लिश बोलने और लिखने में। जनरली मोस्ट टाइम कन्फ्यूजन होता है कि क्या यूज करें, कैन या कुड। अब इस वीडियो देखने के बाद यह कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कैन एवं कुड दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट हेतु किया जा सकता है। कुड से मोर पोलाइटनेस जाहिर होती है, यानी जहाँ आपको ज़्यादा पोलाइटनेस होने की ज़रूरत है वहाँ आप कुड को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, यहाँ कैन का यूज हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझे अपना छाता दे सकते हो? आप देखते हैं कुड का, कुड यू लेंड मी योर सोफा सेट, तू मुझे अपना सोफा सेट उधार दे सकता है। इसमें क्या पोलाइटनेस ज़्यादा आ गया, इसलिए कुड का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें मांग रहा है, तो मांगने वक्त आपको पोलाइट रहना पड़ता है, तो इसलिए पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज होता है। सेकेंड पे देखते हैं, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल में योग्यता को व्यक्त करता है। जैसे वेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम ऑन एनी ट्री, जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। यानी जब मैं जवान था, यानी ये बात पास्ट टाइम में भूतकाल का योग्यता बता रहा है कि जब वो जवान था तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। इसमें क्या हो, पास्ट टेंस में योग्यता बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वेन राम वाज यंग ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, जब राम जवान था तो वह यह नदी पार कर सकता था। इसमें भी हुई है पास्ट एबिलिटी, भूतकाल का योग्यता, जब राम जवान था तब वह किसी भी नदी को पार कर सकता था। कुड का प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता है, जिसको कहते हैं नेसेसिटी, क्षमता एबिलिटी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कुड यू रन दिस दी बिजनेस बाय योर सेल्फ, क्या आप यह व्यवहार स्वयं कर सकते हैं? इसमें क्या आवश्यकता, अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या क्या आप यह व्यापार स्वयं कर सकते हैं? इसमें आपका आ गया नेसेसिटी, आवश्यकता। अब एबिलिटी का देखते हैं, कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या आप दूसरी नौकरी मिल सकती है? यदि तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या आप दूसरी नौकरी ले सकते हो? इसमें आ जाता है एबिलिटी, इसलिए हम यह कुड का यूज किए, और इसमें आ जाता है नेसेसिटी, क्षमता आवश्यकता। फोर्थ पे देखते हैं, कैन का पास्ट टेंस के रूप में कुड का प्रयोग होता है। जैसे राम टोल्ड मी डैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला, कैन का कुड हुआ है पास्ट टेंस में। आई डिड ऑल डैट आई कुड, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं किया हूँ, ये भी कैन का यूज हुआ है कुड में पास्ट टेंस में। काल्पनिक अनरियल कंडीशन में कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ़ आई हैड ए मोर मनी आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, यदि मेरे पास और धन होता तो मैं एक मंदिर बना सकता था। ठीक है, काल्पनिक है ये। इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू हिमालय, यदि मेरे पंख होते तो मैं हिमालय तक उड़ सकता था। ये भी क्या, काल्पनिक, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, अनरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।